हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। यदि आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर आपको सब मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। देखिए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया है और डेबिट बैलेंस दिया है। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सी आती है P&L अकाउंट में और कौन सी आती है बैलेंस शीट में। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और जितनी भी डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आते हैं, P&L अकाउंट में, और इनडायरेक्ट इनकम कहां आती है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जितनी भी सेल है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारी चीज़ें कहां पर आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेती हूँ, किसका, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फॉर्मेट तो हमको आता ही है, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। मैं यहाँ पर दोनों ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट दोनों को साथ में बना रही हूँ। यदि आपके स्कूल में अलग अलग बनवाया जाता है तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, और साथ में बनाना चाहें तो साथ में भी बना सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी, देखिए दिया तो बहुत सारा है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, फिर डेबिट बैलेंस कंटिन्यूड, मतलब उसी के आगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर दिया है। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 99450। तो चलिए 99450 को हम ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पर लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, 99450। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है परचेज, तो हम यहां पर लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, यहां पर भी अकाउंट लिख लीजिए 620920। ठीक है, परचेज के बाद सेल्स आती है, तो सेल्स कहां पर आती है, क्रेडिट साइड, टू सेल्स, टू नहीं बाय सेल्स अकाउंट, 781820। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेजेस, वेजेस जो होता है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेजेस अकाउंट। कितना दिया हुआ है वेजेस, देखिए 43000, और साथ ही साथ यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 143000। चलिए करके देखते हैं, प्लस 143000, यहाँ पर आया 924820। इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99450 माइनस 620920 माइनस 43000, तो हमारा यहाँ पर आएगा 161450। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, नहीं है मैडम। चलिए अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम P&L अकाउंट के जितने भी जो भी आता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है 161450। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी हुआ, प्रिंटिंग हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सैलरी अकाउंट 40000 टू सेल एक्सपेंसेस 1750 टू बैड डेब्ट्स, कितना है बैड डेब्ट्स बच्चों, देखिए क्वेश्चन में दिया है बैड डेब्ट्स कितना है,
2870, ठीक है, 2870, उसके बाद टू डिस्काउंट 10,000, टू पोस्टेज 2730, टू इंश्योरेंस, और ढूंढिए क्या है, देखिए 4170 एंड टू इंटरेस्ट। ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कहाँ पर लिखे जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो बस मैंने उसे सबको डेबिट साइड लिख दिया है। कितना था इंटरेस्ट, 12950। साथ ही साथ देखिए इसमें एक चीज़ और दी हुई है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब डूबा हुआ पैसा हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, रिकवरी होती है। तो यहाँ पर मैं उसे क्रेडिट साइड लिख दूंगी, इनकम बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना है, 1750, ठीक है ना। बैड डेब्ट्स कितना था अपना, 2870 था, उसमें से 1750 हमें मिल गया। चलिए अब करके देखते हैं कैलकुलेशन के भैया हमारा ये सही किया है या हमने नहीं किया है। तो प्लस 1750, 163200, ठीक है, 40,000 प्लस 1750 प्लस 2870 प्लस 10,000 प्लस 2730 प्लस 4170 प्लस 12950। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 163200, तो हमारा आएगा यहाँ पर आंसर 88730। ये हमारा क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, 163200, ठीक है। इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, हमारा बराबर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने भैया सही किया है कि नहीं किया है, कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। 88730 करेक्ट आ रहा है। आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, मैंने तो बुक से चेक कर लिया है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से करना है बैलेंस शीट। अब क्या है, जो बचे हुए आइटम हैं उठाइए और बैलेंस शीट में डाल दीजिए। डाल लेंगे ना, अब तो इजी रहेगा आपके लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी सामान, जितना भी बचा हुआ है और एसेट्स, और बताएं बच्चों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर पूरा ही आसान है, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है एडजस्टमेंट का, उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने रहेंगे, इसमें तो आपको सिंपल करना है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं क्या लिखती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगी कैपिटल, या आप लिख लीजिएगा ऊपर लाइबिलिटीज़ एस अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। कैपिटल कितना दिया हुआ है, 360,000। इसमें हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, 88730। अब जब मैं इसे ऐड करूंगी तो मेरा यहाँ आएगा 448730, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पर आते हैं, लाइबिलिटी साइड। कितना दिया हुआ है, 87200, क्लियर। इसके बाद दिए हुए हैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, 28 नहीं बच्चों, 25270, ठीक है ना। अमाउंट को हमें ध्यान से लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है लोन, कितना, 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट बुक में देखिए कितना दिया हुआ है, 38,850, क्लियर मैडम। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये दिया है 143000। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 161550, ठीक है ना। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा बच्चों, किसी तरह की यदि आपको लगता है कि लिखने में गलती हो रही है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। बिल्डिंग डी है 237800, 237800, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, मशीन, मशीन दी है 100,000 की, ठीक है। अब इन दोनों का आप टोटल करके देखिए और देखिए बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम टोटल करके देखेंगे, सबसे पहले 4,48730
प्लस 87200 प्लस 25270 प्लस 120,000। ठीक है, तो ये आया 681200। अब इसका भी टोटल करके देखेंगे, 38850 प्लस 143000 प्लस 161550 प्लस 237800 प्लस 1,00,000, ये कितना आएगा, 681200। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अपनी स्क्रीन पर, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट ऑन द डेट। देखिए यहाँ पर भी डेबिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस दिया है, हमें क्या बनानी है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले आएगी ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक, 2,00,000। इसके बाद क्या आएगा, टू परचेज, लिखिए परचेज, सिंपल से कितना दिया है, 9,50,000। फिर यहाँ पर लिख लीजिए बाय सेल्स, देखिए सेल्स कहाँ पर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है ये यहाँ पर 14,50,000। ठीक है ना, सेल्स कितना दिया हुआ है, 14,50,000। तो चलिए ये सब दिए हुए हैं, जो सेल्स दिया है या क्रेडिटर दिया है, कैपिटल दिया है, कमीशन दिया है, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर कमीशन दिया हुआ है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कमीशन हमें रिसीव्ड है। ठीक है ना, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम है जो हमें रिसीव्ड है, जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। लेकिन अभी तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर लिख लेंगे टू वेजेस 5,00,000 और उसके बाद यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। देखिए कुछ रहा तो नहीं है, यदि क्वेश्चन में कुछ आपको लगता है रह गया है तो उसे हम देख सकते हैं। देखिए यहां पर दिया है कैरेज, कैरेज भी क्या है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और उसे हम कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं यहां पर लिख दूंगी कैरेज 15,000। अब देखिए क्या निकलता है यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कि ग्रॉस लॉस निकलता है, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 14,500 प्लस 60,000, तो यहाँ पर आया 151,000। अब मैं इसको प्लस करके देख लेती हूँ, 2,00,000 प्लस 9,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 15,000। अब भैया ये तो कम है और ये ज़्यादा आ गया है, तो ये क्या हुआ, हमारा ग्रॉस लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करके देखेंगे तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा ग्रॉस लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, 155,000 बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगी, मैं ये वाला अमाउंट लिखूँगी 166,500। क्लियर। अब ये ग्रॉस लॉस कहाँ पर आएगा, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लिखना है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कितना ट्रांसफर किया, 155,000। क्लियर हो रहा है ना, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स 10,000, टू रेंट 45,000। अब यहाँ पर क्रेडिट में दिया है कमीशन, क्रेडिट बैलेंस मतलब ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, बाय कमीशन 10,000। और कुछ रहा तो नहीं, देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर मैंने 20,000 लिख दिया। चलिए अब इसको प्लस करके देखते हैं, देखिए हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें क्या होने वाला है, नेट लॉस होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट हैं और यहाँ पर सिर्फ 10,000 हैं। यहाँ पर आएगा 2,30,000 और इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 आएगा, जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, नेट लॉस कहलाएगा और ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं हुआ? अब बस इसी तरह से प्यार से क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट को बना लेते हैं और हमारे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एंड। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होगा, जितनी एसेट्स हैं वो एसेट साइड आएंगी और जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटी साइड आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल दिया है, बहुत सारा कैपिटल है भैया। उसके बाद लेस क्या करेंगे, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, लॉस है तो माइनस करेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है, तो 90,000 की ड्राइंग भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किस में से, कैपिटल में से। चलिए, सब माइनस करने के बाद आया 6,90,000। और इसके बाद दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 1,40,000। क्लियर? अब एसेट साइड आ जाएंगे, क्या क्या दिया है, बिल्डिंग, मशीन, मशीनरी। बिल्डिंग कितना दिया है, 1,50,000। मशीनरी दी है 2,00,000। बैंक कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 1,50,000। स्टॉक कितना दिया हुआ है, 60,000। और डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 2,70,000। अब आप बोलेंगे मैडम स्टॉक तो 70,000 दिया, आपने 60,000 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो वैल्यू कम होती है उसे हम स्टॉक के तौर पर लिखते हैं। हमने देखिए यहाँ पर भी स्टॉक 60,000 लिखा, यहाँ पर भी स्टॉक 60,000 लिखा, लिखा यहाँ पे कितना है 70,000, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कम की है। यदि ज़्यादा की होती तो हम क्या लिखते, जैसे 70,000 है और मार्केट वैल्यू होती 90,000, तब हम 70,000 लिखते, लेकिन यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है, 60,000 है, इसलिए हमें दोनों जगह 60,000 ही लिखना है। क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसको प्लस करके देख लेते हैं, 1,50,000, 2,00,000, फिर 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 2,70,000 कितना आया, 8,30,000। ठीक है, अब इसको भी करके देख लेते हैं, 6,90,000 प्लस 1,40,000 तो कितना आया, 8,30,000। इस तरह हमारी क्या हुई, इस तरह हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर? आज के वीडियो में हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।